वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम और पंजाब की टीम के बारे में। दोनों टीमों का प्रीव्यू करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट मैच आप लोगों को इन दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करें पंजाब की टीम की, जो अपना फर्स्ट मैच जीत के आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें आरसीबी की यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो देखिए पहला मैच चेन्नई के खिलाफ वो हार के आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोनों टीमों के कंपैरिजन की, देखिए अगर हम बात करेंगे दोनों टीमों की, देखा जाए बैटिंग हैवी देखने को मिलती है क्योंकि एक तरफ आप लोगों को अच्छे खासे पावर हिटर देखने को मिलते हैं, लाइक आप लोगों को ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, फाफ डु प्लेसी, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली। वहीं पर अगर हम जाएंगे वहाँ पर पंजाब की टीम में भी आप लोगों को बड़े बड़े बैट्समैन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप लोगों को जॉनी बेस्टो, शिखर धवन, लियान लिविंगस्टन, राइली रूसो, हरप्रीत बराज, जितेश शर्मा, मतलब अच्छे खासे पावर हिटर देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बॉलिंग की, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्पिन अटैक आप लोगों को पंजाब की टीम का बेहतर देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा उनके पास राहुल चाहर हो गए, वहीं पे हरप्रीत बराड़ हो गए, जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है आरसीबी के खिलाफ। वहीं पे लियान लिविंगस्टन भी स्पिन बॉलिंग करना जानते हो, मेरे हिसाब से शायद वो सिकंदर रजा को भी खिला सकते हैं, इसकी भी चांसेस है। लेकिन लियान लिविंगस्टन की अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सैम करन भी वहाँ पे हैं, जो अच्छी खासी लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के पास है मोहम्मद सराज, मेरे हिसाब से ऋषभ टोपली या फिर लॉकी फर्गसन में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अलियारी जोसेफ तो फिलहाल अभी आरसीबी की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कौन सी टीम के ऐसे प्लेयर रहेंगे जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, देखिए अगर मुझे पंजाब से पिक करना हो तो मेरे हिसाब से मैं शिखर धवन के साथ जाना चाहूंगा। जी हाँ, देखिए शिखर धवन का पहला मैच मेरे हिसाब से इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन वो दूसरे मैच में चन्ना स्वामी का स्टेडियम होगा, सबसे ज्यादा रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं पंजाब की टीम से। वहीं पर अगर हम बात करें आरसीबी की टीम से, तो मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम से वो प्लेयर रहेंगे विराट कोहली, जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे क्योंकि देखिए चन्ना स्वामी का स्टेडियम है, बेंगलोर का होम स्टेडियम है, यानी कि आरसीबी यानी कि विराट कोहली को आराम से मालूम है कि कैसी कैसी पिच रहती है, कैसे हमें बाउंड्रीज माननी है। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली आरसीबी की टीम से पिक करूंगा। अगर मैं विकेट्स की बात करूं, तो मेरे हिसाब से हर्षदीप सिंह, मुझे हर्षद पटेल में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है, लेकिन मैं हर्षद पटेल को पिक करूंगा क्योंकि देखिए वो चन्ना स्वामी के स्टेडियम में लास्ट सीजन खेले हैं, उन्हें मालूम है आरसीबी की टीम कैसी है, तो मेरे हिसाब से वो विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं सबसे ज्यादा। वहीं पर अगर हम बात करें आरसीबी की टीम से, तो मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम से मैं सोच रहा था पहले मोहम्मद सराज के साथ जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यश दयाल के साथ जाना चाहता हूं। मेरे हिसाब से वो लेफ्ट आर्म एंगल है उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। और वहीं पे मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि आरसीबी टीम अपने होम कंडीशन में ये मैच जीतती हुई नजर आएगी। बाकी आप लोग अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये सारा का सारा मैच प्रीव्यू था जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।